عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीज़ों, हकीम नकवान भाई के ऑफिशियल चैनल पर आके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जैसे हम नहीं तो अल्लाह के फजल से आपको पता ही है कि रमज़ान मुबारक की आमद आमद है, और जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। इसमें एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इस माह मुकद्दस को खूबसूरत बनाएं। इस माह मुकद्दस को खूबसूरत बनाना है, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि 5 वक्त की नमाज के साथ साथ रोज़ा जो फ़र्ज है वो कभी ना छोड़ें, और रात का क़याम तरावी इस पर अमल करें। मेरे नबी ने फरमाया जो रमज़ान का रोज़ा रखे रात का क़याम यानी कि तरावी पढ़ेगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। और रोज़ा रख कर गीबत ना हो, झूठ ना हो, तो ताकि रोज़ा आपका मज़ीद जानदार शानदार बन जाए। और रोज़ा रख कर तस्बीह पढ़ें, तलावत करें, मुरक्बे करें, नमाज नफल पढ़ें। नवाफिल जो है वो फ़राइज़ के बराबर उसका अजर मिलता है, और जो फ़राइज़ है उसको अल्लाह ताला 70 गुना ज़्यादा अजर देता है। और आखिर में अर्ज़ करूँगा इबादत के साथ साथ अच्छे अखलाक भी बनाने हैं, और उसमें सबसे बढ़ कर यह है सखी बने, सखावत करने वाले बने। कि किसी का रोज़ा इफ्तार करवा देना तो उसको आपका डबल अजर मिलेगा। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे, ईमान अमाल में तो तरक्की दे, और ख़त्मे नबूवत की तो फैली जिम्मेदारी है, नेकी की दावत भी दें, बुराई से मना करें। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।